अस्सलामु अलैकुम। आज हम हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट टेक मार्केट थीम विद डेमो इंपोर्ट की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें टेक मार्केट थीम चाहिए। हम टेक मार्केट थीम को इंस्टॉल करेंगे, अपलोड थीम करेंगे। यहाँ से हम फाइल को चूज़ करके फिर हम थीम फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। ये थीम फ्लैटसम से भी 100 गुना बेहतर है। अभी हम एक चाइल्ड थीम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इसके प्लगइन सारे इंस्टॉल करेंगे। प्री पैकेज प्लगइन भी होंगे, वो इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं टाइम सेविंग के लिए, तो वो भी इंस्टॉल करेंगे। और चलें अभी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। एड न्यू पे क्लिक करें। पहले देखते हैं हमारा व्यू किस तरह हो चुका है थीम इंस्टॉल करने के बाद। ये बेसिक व्यू हो चुका है वेबसाइट का थीम इंस्टॉल करने के बाद। इसके बाद अभी हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। नाउ अपलोड प्लगइन, चूज़ फाइल, क्लिक ऑन इंक्लूड प्लगइन रिवॉल्यूशन स्लाइडर। ये इंस्टॉल ऑन एक एक करके सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लें ताकि हमारी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिवॉल्यूशन स्लाइडर थोड़ी देर लेगा, हम एक न्यू टैब खोलते हैं, उसके अंदर बाकी प्लगइन इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। अभी हम एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, टेक मार्क एक्सटेंशंस। ये प्री पैकेज प्लगइन हमें मिला है। अपलोड प्लगइन, इसके बाद चूज़ फाइल, टेक मार्क एक्सटेंशन, ये वाला प्लगइन। इसके बाद इसको इंस्टॉल कर दें। अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, मुझे ब्लेम मत कीजिएगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। लिहाजा ब्लेम करने से पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि आपकी वेबसाइट 100% एक्यूरेट बन जाए। अभी हम WooCommerce इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, ओल्ड वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जो आजकल लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर कुछ फीचर्स पेड हो चुके हैं। WooCommerce इंस्टॉल होगा, इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। उससे पहले अभी ये हम बाकी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। जो प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं उनको रहने दें, बाकी प्लगइन पे टिक मार्क कर दीजिएगा। उससे पहले मैं वन क्लिक डेमो इंपोर्ट करना चाहूँगा कि उससे पता चल जाए कौन कौन से डेमो हैं। स्किप सेटअप, इस थीम के जितने भी डेमोज़ हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं और काफ़ी यूनिक हैं। फ्लैट सम बोरिंग सी थीम है, मगर इतनी भी बोरिंग नहीं है। जो लोग इसे यूज़ करना जानते हैं वो इसे बेस्ट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये थीम इस्तेमाल नहीं की जो भी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अगर वो ये थीम इस्तेमाल कर लें वो फ्लैट सम को भूल जाएंगे। अभी यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं, इनका हम वेट करते हैं। यू कार्ड का ऑप्शन भी आ चुका है और थोड़ा वेट करें। अभी हम कमेंट का फंक्शन चेक कर लेते हैं कि कमेंट से प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। हाय, आई एम आवर वेबसाइट डेवलपर, यू कैन हायर मी एट एनी टाइम। ओके, चलें, यू कैन हायर मी एट एनी टाइम। ये जब मैं पोस्ट कमेंट करूँगा कि मैं एडमिन हूँ, तो ये जो कमेंट मैंने किया है वो डायरेक्ट पोस्ट हो जाएगा। अगर कोई यूज़र आता है कमेंट करता है, जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करता तब तक कमेंट अप्रूव नहीं होगा। ये डेमो इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको तरीके बताऊँगा जब हम रिव्यू देंगे किसी प्रोडक्ट का। तब प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं,
चौथा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, फोर प्लगइन, तीन प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, प्लीज़ बी पेशेंट। छठा प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, प्लगइन्स के थीम को फुली फंक्शनल बनाने के लिए पूरे के पूरे प्लगइन्स इंस्टॉल करना ज़रूरी है। जब हम डेमो इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें कहेंगे कि आपके 15 से 20 मिनट लगेंगे, मगर आपने स्लाइडर रिवॉल्यूशन के ज़रिए से स्लाइडर ख़ुद इंपोर्ट करने हैं डेमो इंपोर्ट होने के करने के बाद। डेमो इंपोर्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्लाइडर रिवॉल्यूशन के ज़रिए से आपको मैं स्लाइडर भी इंपोर्ट करके दिखाऊंगा और उनको फुली फंक्शनल बनाकर दिखाऊंगा। ये अभी हमारा सातवां प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, आप वेट करें। बाकी प्लगइन्स हम एक्टिवेट कर लेते हैं जो इंस्टॉल हो चुके हैं, तब तक ये सातवां प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। इन सब पे टिक मार्क कर लें, इन सब पे टिक मार्क कर लें और इनको इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेट कर लें बल्कि सॉरी। अभी ये भी आ चुका है, अभी हम डेमो इंपोर्ट की तरफ चलते हैं। फॉर डेमो डेटा एक प्लगइन रहता है जिसको हमने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, पहले उसे एक्टिवेट कर लें, इसको एक्टिवेट कर लें, वो कॉमर्स विशलिस्ट, इसके बाद डेमो इंपोर्ट करें। जब हम इंपोर्ट डेमो डेटा पे क्लिक करेंगे वो उसने ऊपर, आप ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, वो कहेगा कि इट कैन टेक अप टू 20 मिनट्स और ये 25 से 30 मिनट लेगा। ये इतने नीचे आप देख सकते हैं कितने डेमो, तकरीबन 10 होंगे इसके डेमो। मैं जो इंस्टॉल करूँगा मैं उसका थोड़ा सा प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, कौन सा मैं इंस्टॉल करूँगा। टेक मार्केट का डिफ़ॉल्ट वर्जन जो आपको थीम फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, पहले मैं एक मिनट उसका प्रीव्यू किस तरह का है, टेक मार्केट का प्रीव्यू ये है डिफ़ॉल्ट। हम सेम टू सेम इसी तरह डेमो इंपोर्ट करेंगे, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर सारे कितने कितने फीचर्स हैं, किसी पर भी क्लिक करें और आप जो आप, मैं तो डिफ़ॉल्ट डेमो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ये डेमो पसंद नहीं आया तो। चलें अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ये चेक ये नोटिस पढ़ लीजिए आप गौर से कि ये 15 से 20 मिनट लेगा, मगर इसमें स्लाइडर्स इंपोर्ट नहीं होंगे, स्लाइडर आपने ख़ुद इंपोर्ट करने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। 20 मिनट के बाद हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है, अभी हम अपने डेमो को चेक करते हैं। अभी हम अपनी वेबसाइट की तरफ आते हैं जो हमने इंपोर्ट की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइडर वन स्लाइडर मिसिंग है, क्योंकि अभी डेमो इंपोर्ट करने से पहले उसने हमें कहा था कि आप का स्लाइडर मिसिंग होगा, आप ख़ुद इंपोर्ट करोगे डेमो इंपोर्ट करने के बाद। इसके हम सारे फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस वर्किंग हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट किया, अब हम व्यू कार्ट करेंगे इस प्रोडक्ट को, वहाँ से हम यहाँ पर अभी कोई पेमेंट गेटवे हमने सेट नहीं किया, अभी हम दोबारा अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होते हैं। ये इतने ज़्यादा चेक कर लें आप, होम पेजेस हैं तो होम पेज 8 हैं, लैंडिंग पेज 2 हैं। अभी तक हमने डेमो इंपोर्ट कर लिया, जो ज़रूरी काम था वो हमने कर लिया।
बस अभी थोड़ा सा काम रहता है, डेमो स्लाइडर इम्पोर्ट करना है, पेमेंट गेटवे भी लगाना है। पेमेंट गेटवे आप लोगों को आता होगा, मैं सिर्फ स्लाइडर इम्पोर्ट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। चलें पहले, उससे पहले हम थीम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसके कितने होम पेजेस हैं, किस तरह के उसके शॉप पेजेस हैं, प्रोडक्ट पेजेस हैं, वो जो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे मैं एक रिव्यू दूंगा, वो एडमिन अप्रूव करेगा, तब वो पब्लिक को शो होगा, ऑडियंस देख सकेगी। अभी आप देखने में एक अपना नाम यूज़ करता हूँ, ईमेल दूसरी इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद कोई भी रिव्यू देता हूँ, आई एम अ वेबसाइट डेवलपर, यू कैन हायर मी एट एनी टाइम, यू कैन हायर मी एट एनी टाइम। वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलती रहे। अभी आप देख रहे हैं कि उसने क्या, आपका रिव्यू पेंडिंग है जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करता। चलें अभी हम एडमिन के थ्रू इसको अप्रूव करते हैं। एडमिन में लॉगिन हुए तो और कमेंट्स में जाएंगे हम, कमेंट वन शो कर रहा है कि न्यू कमेंट आ चुका है। अभी उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे देख लें आप, सबसे पहला कमेंट होगा जो अभी अप्रूव करना, मैं अप्रूव करता हूँ, उसके बाद जाके चेक करूँगा और वो पब्लिकली शो हो जाएगा। जो प्रोडक्ट का 3 स्टार से वो 4 स्टार्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और नीचे मेरा ओवरव्यू भी आ जाएगा, रिव्यू भी आ जाएगा। आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर, यू कैन हायर मी एट एनी टाइम। ओके, अभी आगे चलते हैं। जो हमने प्रोडक्ट इसके अंदर स्लाइडर्स इंपोर्ट करने की बारी आ गई, चलिए अभी स्लाइडर इंपोर्ट करते हैं। नीचे चलते हैं, स्लाइडर स्लाइडर रिवॉल्यूशन, ये होम पेज स्लाइडर नंबर 1 हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्लाइडर पे क्लिक करें, चूज फाइल और अपने जो आपने डेमो इंपोर्ट किया है उस डेमो पर जाएं और स्लाइडर अपना इंपोर्ट कर लें। ऊपर होम पेज नंबर 1, इस होम पेज स्लाइडर 1, क्योंकि जो आपका होम पेज होगा वो आपने वो इंस्टॉल करना है। इंपोर्ट स्लाइडर, जो पुराना स्लाइडर होगा जो हमें वार्निंग दे रहा है, वही वार्निंग को ओवरराइड करके हमें स्लाइडर दिखाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, ये स्लाइडर इंपोर्ट हो चुका है। अभी पेज को रिफ्रेश कीजिए, पेज हमने रिफ्रेश कर दिया है। अभी देख सकते हैं हमारा स्लाइडर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हम एक और स्लाइडर इंपोर्ट करते हैं, होम पेज 2 वाला। इसका थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि बाकी होम पेज के भी स्लाइडर इंपोर्ट करने हैं। आप कहेंगे आपने होम पेज 1 के इंपोर्ट कर दिया है, बाकियों के इंपोर्ट नहीं होंगे। तो होम पेज 2 का मैंने इंपोर्ट किया है, अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा स्लाइडर। यहाँ पे होम पेज 2 का स्लाइडर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बिल्कुल डेमो वाली वेबसाइट के एन मुताबिक हो चुकी है। हमने सिर्फ होम 1 और होम 2 का स्लाइडर इंपोर्ट किया है, 2 स्लाइडर इंपोर्ट कर लिए हैं और अभी हम आगे फर्दर मूव करते हैं। ये बटन के पीछे बैकग्राउंड में कोई लिंक नहीं है, इस वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा। मैं भी एडमिन को लॉग आउट करता हूँ, ये लॉग आउट हो गया। अभी देखता हूँ कि वैसे मेरी वेबसाइट कैसी लगती है, कोई फॉल्ट तो नहीं आता। अगर नहीं आता तो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक है। अभी चेक करें, ये अभी होम पेज के सारा कुछ व्यू बिल्कुल मेन वेबसाइट एग्जैक्टली मेन वेबसाइट है। चेक करें कितनी खूबसूरत वेबसाइट है, डेमो इंपोर्ट हो चुका है, ये नल्ड भी नहीं है ना ही क्रैक्ट है। लोग कहते हैं GPL यूज़ नहीं करनी चाहिए, GPL यूज़ नहीं करनी चाहिए, लाइसेंस वाली यूज़ करनी चाहिए। GPL भाई लोग, ये लाइसेंस ही होती है,
अभी ये देखने कैटेगरी कैसे शो हो रही है इस राइट साइड पे मेन्यू अपीयर होते हैं इनके। अभी मैं एक प्रोडक्ट ऐड करके इसे रिमूव करूँगा ऐड टू कार्ट। अब इसको मैं व्यू कार्ट पे जाता हूँ। अभी प्रोसेस टू चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट। मैंने अभी तक कोई पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं किया, लिहाजा अभी तक ये इनेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपल गेटवे एक्टिवेट करना सिखाऊंगा और उसका लिंक मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को पसंद आई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।